गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 4, यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। यानी कि आज की क्लास में हम बातचीत ये करेंगे कि हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। टॉपिक है हमारा कि केमिकल रिएक्शन कहीं पर अगर होगा तो कैसे होगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस चैप्टर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। यानी कि आज की क्लास में हमें ये पढ़ना है कि अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वह केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। यानी कि कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, क्यों मिलते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बन जाते हैं। हमको तो ये समझ में नहीं आते कि आखिर ये दोनों मिल कैसे रहे हैं और तीसरा बन कैसे रहा है। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्रिस क्रॉस मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, इन सभी बातों पर हम आज आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, ये हम अपना अगला टॉपिक, यानी कि हमें पढ़ना है बेटा कि हाउ केमिकल रिएक्शन अकर्स। अब एकदम बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है। अगर हमें क्रिस क्रॉस मेथड की जानकारी है तो हम पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। पहले हम बेसिक केमिकल रिएक्शन बताते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको समझाएं, हम तो बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं, अगर हमने एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास किया, जैसे हम आपसे कहते हैं कि ए प्लस बी से सी बनता है, जनरली ये रिएक्शन आपको सिखाया जाता है। अगर हमने कहा कि ए प्लस बी से सी बनता है और हम ये भी आपको बताते हैं कि ए और बी क्या होता है बच्चे, ये हमारा रिएक्टेंट होता है। यानी कि ए और बी हमारा रिएक्टेंट है और ये जो सी बन रहा है ये हमारा क्या है, ये प्रोडक्ट है। अगर हमने कहा कि ए और बी रिएक्टेंट है, सी प्रोडक्ट है, ए और बी को मिलाने के बाद सी ऑप्टेन होता है। यानी जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम हमने सी बना दिया। हम कहते हैं रिएक्टेंट के आपस में मिलाने से प्रोडक्ट सी ऑप्टेन हो रहा है, सही बात है। लेकिन पहला सवाल यह है कि रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। हम ये भी तो पढ़े हैं रिएक्टेंट होता क्या है। हम कहते हैं द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। यानी द सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच ऑप्टेंड आफ्टर द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। हमने दो बात की कि रिएक्टेंट क्या होता है, दूसरी बात प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानकारी है तो हम ये जानना चाहते हैं ए और बी में ऐसा क्या है जो वो रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। क्वेश्चन तो यही राइज होता है, हमें यह समझना है कि ए और बी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो आपस में मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के ये जानना होगा कि ए और बी अनस्टेबल है, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं बेटा वो बहुत अनस्टेबल होते हैं और वो हमेशा रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वह प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है। यानी हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट बहुत अनस्टेबल होते हैं और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करने का प्रयास करते हैं। यानी ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। हमने कहा ये बहुत अनस्टेबल होते हैं और जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ न कुछ एनर्जी बाहर निकलती है और जो एनर्जी बाहर निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, हीट के फॉर्म में निकलती है। तो हम कहते हैं कुछ न कुछ एनर्जी उस केस में बाहर निकलती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे हम अभी आपने सुना होगा कि बहुत समय पहले एक राजनीतिक बयान भी आया था क्या, कि किसी ने कहा किसी को कि हम तुम्हारी गर्मी निकाल देंगे। तो गर्मी निकालने का मतलब क्या हुआ बेटा, गर्मी निकालने का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी जब बाहर निकल जाएगी तो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा, तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा। यानी जब किसी की गर्मी निकल जाती है तो वो स्टेबल हो जाता है। यानी कि हम कहते हैं कि जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस दौरान एनर्जी का लॉस होता है। यानी कि हम अपनी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उस बयान को ऐसे भी कह सकते थे कि हम तुम्हारे साथ एक्जोथर्मिक रिएक्शन करा देंगे। यानी एक्जोथर्मिक मतलब तुम्हारी हीट बाहर निकाल देंगे और जब किसी रिएक्टेंट की हीट बाहर निकलती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल स्टेबल होता है। यही तो बात बताएंगी। अब हमें ये समझना है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। हमने ये कहा कि अगर हमने सोडियम को क्लोरीन के साथ ट्रीट कराया, मान लो Na plus Cl2 हमने लिख दिया, हम ये समझना चाहते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना।
हम कहते हैं सोडियम आखिर क्लोरीन से रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्या जरूरत थी? बेटा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और क्लोरीन का 287 है ना, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ये 1 से परेशान है, ये 7 से परेशान है, ये 1 किसी को देना चाहता है, ये 1 किसी से लेना चाहता है। जब ऐसी सिचुएशन ये दोनों के पास आती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेता है, ऐसी केस में ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। और जब यह एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अगर इसको देगा तो एने प्लस बनाएगा, सीएल लेगा तो सीएल माइनस बनाएगा, प्लस माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा जिसकी वजह से NaCl सोडियम क्लोराइड जैसा आयोनिक कंपाउंड ऑप्टेन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम NaCl को ऑप्टेन कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है तो सोडियम क्लोराइड बनाने का जो तरीका होगा वो हम कुछ इस प्रकार से अपनाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि हम NaCl बनाते हैं तो यहाँ स्टेबिलिटी का पूरा रोल है। अब हमें ये देखना था कि क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है और हम उस पर वर्क कैसे करेंगे, यानी कि हमारा जो टॉपिक अगला आया वह टॉपिक जरा सुनिएगा, यानी हम ये समझने चल रहे हैं कि ये क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है और इससे हम रिएक्शन करते कैसे हैं। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक सी चीज़ें बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे हमने कहा कि Na अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो क्रिस क्रॉस मेथड में हमको ये पढ़ाया जाता था कि ये सिंबल होता है और ये उसकी वैलेंसी होती है, यानी कि सबसे पहले हम सिंबल और वैलेंसी को इस प्रकार से लिखते हैं, सिंबल को Na लिखेंगे, Cl को Cl लिखेंगे, यहाँ से 1 हो गया, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, क्रिस क्रॉस कराने पर वैलेंसी इंटरचेंज करते हैं और यहाँ से क्या आएगा, NaCl आ गया। तो ये जो NaCl आया ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है, यानी कि हमने ये कहा इसका 1 इधर चला गया, इसका 1 इधर चला गया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा ना। तो हमने ये कहा कि ये जो बना ये सोडियम क्लोराइड हो गया, क्योंकि एक सोडियम आयन होता है दूसरा क्लोराइड आयन, तो आयन तो खत्म कर दोगे तो कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहां पर हम क्या लिख देंगे, NaCl। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में यह सवाल आता है कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, है ना। तो हमें इसलिए पता चल गया क्योंकि सोडियम सोडियम आयन बनाता है, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोराइड आयन बनाता है, तो जब दोनों मिलेंगे कंपाउंड के फॉर्म में आएंगे तो वो क्या होगा, वह सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा। अब चलो जरा इसके और आगे चलते हैं। अगली बात में हमने कहा कि अगर हम Mg को O2 के साथ ट्रीट कराएं तो क्या बनेगा। अब पहले क्या करोगे बच्चे, सिंबल लिखोगे, दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, वैलेंसी लिखोगे, लिखोगे सिंबल मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, O2 यहाँ है तो यहाँ भी O2 लिख लेते हैं। आपको बताऊं कि जब यहाँ सिंबल लिखे हो तो ऑक्सीजन का सिंबल O2 थोड़ा ना होता, O होता है, तो यहाँ Mg है तो यहाँ क्या होगा, O होगा, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, इसकी 2 हो गई, तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट में क्या आएगा, Mg2O2। और हम लास्टली लिखते क्या है, MgO लिखते हैं, और MgO क्या होता है बच्चे, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्यों, क्योंकि Mg2+ को हम मैग्नीशियम आयन कहते हैं और O2- को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड आयन कहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इस प्रकार से किसी भी केस को अगर हमें समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, अगर मान लो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, हमने कहा कि अगर CA को O2 के साथ ट्रीट करना हो तो क्या बनेगा। ठीक है, आप लिखोगे CA और ये वो, आपको सबसे पहले क्या लिखना था, सिंबल लिखना था, दूसरे नंबर पे क्या लिखना था, वैलेंसी लिखनी थी, तो सिंबल आपने लिखा, वैलेंसी लिखा, सिंबल 2 CA हो गया और ये O का 2 हो गया, यहाँ से ऑप्टेन क्या होगा, CaO, तो ये क्या हो जाएगा, CaO को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, क्विक लाइम हो जाएगा। अगर किसी ने कहा H2 को सर O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2O कैसे बन जाता है, वही सेम टू सेम कहानी इसमें भी है। यहाँ हमने क्या लिख दिया, सिंबल लिख दिया, यहाँ हमने क्या लिखा, वैलेंसी लिख दिया, सिंबल को ऐसे दिखाया, वैलेंसी को ऐसे, ये H हो गया, ये 1, यहाँ से ये 1, ये हो गया 2, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H2O, तो H2O को हम क्या कहेंगे, वाटर कह देंगे, और इसको क्या कहेंगे, इसको बेटा हम क्विक लाइम कहते हैं। तो एक हमारा वाटर हो गया, दूसरा क्या हो गया, क्विक लाइम हो गया। चौथे के बाद पांचवे में आइए, पांचवे में हम क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम N2 को H2 के साथ ट्रीट कर दें तो क्या बनेगा, हमने कहा सिंबल लिखेंगे और वैलेंसी लिखेंगे, सबसे पहले हमने सिंबल लिख दिया, दूसरे नंबर पर हमने क्या लिख दिया, वैलेंसी लिख दिया। ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, सिंबल वैलेंसी,
कट 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 क्या आया, NH3, और NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। ये क्या हो गया, अमोनिया। तो हमने कहा NH3 को हमने अमोनिया लिख दिया। तो 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन हमने आपको कराए। अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हम आपको देते हैं, जरा देखता हूँ कि आप कर पाते हैं या नहीं। 6 क्वेश्चन में आओ बच्चे। हमने कहा H2 का ट्रीटमेंट अगर S के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा के बाद 6 के बाद 7th में देखो, अगर CA का ट्रीटमेंट Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, H2 का ट्रीटमेंट अगर Cl2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, Mg का ट्रीटमेंट अगर O2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, K का ट्रीटमेंट अगर H2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनाना है आपको। खट्टस बनाइए, देखिए कैसे कर पाते हैं आप। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठा करें, केवल लेक्चर को सुनने का प्रयास ना करें, क्योंकि लेक्चर सुनेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगर आप उसको साथ ही साथ करते भी रहेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट बनता है। तो ध्यान दीजिएगा जो बात हम आपको समझा रहे हैं, H2 को हमने क्या किया, S के साथ ट्रीट किया, CA को Cl2 के साथ, फिर H2+Cl2। अब जरा देखना इसमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, H2S। H2S को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। CA को Cl2 के साथ ट्रीट करोगे क्या बनेगा, CaCl2। H2 को Cl2 के साथ ट्रीट करोगे HCl, Mg+O2 से क्या बनेगा, MgO, K+H2 से KH। अब नाम सुनिएगा, वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और ये पोटेशियम हाइड्राइड हो जाएगा। फिर से नाम सुनिए, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम बनेगा बच्चे, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, ये नेमिंग हो गई, यानी कि KH होगा तो पोटेशियम हाइड्राइड हो जाएगा, H2+O2। इस प्रकार से हमने ढेर सारे एग्जाम्पल आपको समझा दिए। ये एग्जाम्पल्स ये बताते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं बेटा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इन रिएक्शन से हमें समझ में आ गया। लेकिन हमें रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अगर कोई बड़ा रिएक्शन हो जाए तो हम कैसे कराएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, मान लो अगर ऐसा रिएक्शन आ जाए, हम रिएक्शन सीख रहे हैं ना करना, तो हमें मैकेनिज्म पर फोकस करना है। अगर मान लो HCl आ जाए और कहा जाए कि इसका ट्रीटमेंट NaOH के साथ करना है तो क्या बनेगा। अब हम तो हमें कराना हो, मान लो ये रिएक्शन, अगर हमें ये रिएक्शन आपको बताना हो, समझाना हो, तो हम कैसे बताएंगे, हम कहेंगे जो HCl है ये टूटेगा H+ और Cl- में, ये NaOH है तो ये टूटेगा Na+ और OH- में, हम कहेंगे ये OH- इसके H+ के साथ मिलकर H2O बनाएगा, ये NaCl इसके साथ मिलकर के NaCl बनाएगा, यानी कि हम कहते हैं H+OH- के साथ मिलेगा तो H2O बन जाएगा, और Na अगर Cl के साथ मिलेगा तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो एक आपका सोडियम क्लोराइड बना, दूसरा क्या हो गया, वाटर हो गया। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो प्रोडक्ट में एक सोडियम क्लोराइड मिल रहा है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का ट्रीटमेंट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये जनरेट होता है कि सर आपको तो पता है कि Cl को H+Cl- में तोड़ लेंगे, हमको नहीं पता। NaOH किस में टूटेगा सर, ये हमको नहीं पता है। अगर बेटा ये नहीं पता है तो रिएक्शन हो पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि हम किसी कंपाउंड को आयन में कन्वर्ट करना आपको सिखाते हैं। यानी कि अगर इस तरह की सिचुएशन किसी रिएक्शन में आ गई तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन को कर पाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा? क्योंकि वो रिएक्शन आपके समझ में नहीं आएगा कि हम किसको किस प्रकार से उसके आयन्स में ब्रेक करें, क्योंकि आपको कंपाउंड टू आयन कन्वर्जन तो आता नहीं। जब आप कंपाउंड को आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, है ना, क्वेश्चन अराइज हुआ। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा उस पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, यानी कि हमारा जो अगला टॉपिक इसमें बन रहा है वह टॉपिक ये बन रहा है कि कंपाउंड टू आयन्स कन्वर्जन, यानी
हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट एनी कंपाउंड इनटू इट्स आयन, यानी कि हम किसी कंपाउंड को उसके आयन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का, किसी भी कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड को ही हम आयन्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, यानी वो पानी के साथ में मिलता है, तो हम उसको तोड़ेंगे कैसे, जरा देखिएगा। अगर हमने कहा HCl, अब इसके लिए आना क्या चाहिए आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन यानी कि जो कंपाउंड में एलिमेंट है या एटम है, ये एटम्स कौन से आयन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम HCl की बात करें तो इसमें एक हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और हाइड्रोजन या तो H प्लस बनाता है या तो H माइनस बनाता है। क्लोरीन में हम जानते हैं कि इसके 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या करेगा, 288 बनाएगा, यानी कि ये, और ये Cl- बनाता है, यानी यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और यह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसलिए जब हम HCl को ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक करेंगे, H प्लस और Cl- में ब्रेक करेंगे। यानी कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को हमें तोड़ना होगा तो हम एक हाइड्रोजन आयन बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे, क्लोराइड आयन बनाएंगे। वो क्लीवेज कैसे होगा वो हमने आपको समझाया। अब जरा देखिए, अगर मान लो इसी में हमें दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए तो दूसरे में हम क्या करेंगे। अब जैसे जैसे हम आपको समझा रहे हैं ऐसे समझना होगा बेटा। और दूसरी चीज, अगर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस अभी भी नहीं तैयार है तो आज भी वक्त है, इसे तैयार कर लो, क्योंकि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिना तुम्हारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। मान लो हम आपसे कहें कि NaCl हम आपको दे दें, हम कहते हैं बताओ NaCl में कैसे क्या करोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, एक सोडियम है, तो सोडियम के बारे में हम जानते हैं 281 होता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और यह एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा क्योंकि ये 2 और 8 का कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। तो ये जो बना, ये क्या बना, Na प्लस, इसका मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na प्लस बनाएगा। उसी जगह हम क्लोरीन के पास गए तो क्लोरीन ने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। हमने कहा कि तुम क्या चाहती हो, कहें कि हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करते थे, गेन करेंगे क्योंकि हम आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका अटेन करना चाहते हैं, आर्गन का। इसलिए इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, जिस इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने लूज किया उसको इसने गेन कर लिया। ऐसी केस में ये Na प्लस और Cl माइनस बना लेगा। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि हम इसी तरह से जैसे आपको पढ़ा रहे हैं इसी तरह से हम इसको ब्रेक करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। एक बात और मालूम होनी चाहिए बच्चे कि इसके लिए अगर आयंस याद है तो इतना सादा लफड़ा भी नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। अगर हम आपसे कहें K2O, अब K2O को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड। अब किसी ने कहा कि सर अब क्या करेंगे, अब तक तो बहुत आप बता रहे थे, अभी भी बताएंगे, पोटेशियम 2881 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है। तो पोटेशियम ने कहा किसी एक इलेक्ट्रॉन से तो हमें लफड़ा है, हमने कहा तुम क्या करोगे, कहा कि हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लूज करके अपने ऊपर एक पॉजिटिव लगाएंगे, 288 आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो हमने ऑक्सीजन के पास पूछा कि ऑक्सीजन तुम्हारा क्या विचार है, तो ऑक्सीजन ने कहा कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और हम 2 इलेक्ट्रॉन की चाहत रखते हैं, यानी हम सोच रहे हैं कोई हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम भी 288 हो जाएं। यहाँ पोटेशियम कितना है, 2 है, तो 2K+ कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 को, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो ये क्या बनेगा। पहले तो आप डायरेक्ट लिखोगे K+ और O2-, तो अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, पोटेशियम कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लगा दोगे, एक पोटेशियम पर एक पॉजिटिव तो 2 पोटेशियम पे कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, तो चार्ज भी यहाँ से बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि कुल मिला जुला करके अगर आपको आयंस अभी याद है तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपको इस तरह से ब्रेक करके बार बार इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आयंस नहीं याद है तो लफड़ा है। अब एक बच्चे के दिमाग में ये सवाल आया कि सर अगर HCl दिया गया है तो ये पहले वाला कैटायन होगा, ये आपको कैसे पता चला, है ना सर, आपको तो पता है कि आगे वाले को आप प्लस में तोड़ देते हैं पीछे को माइनस में, क्या हर समय यही होगा क्या, नहीं, केवल एक एसिटिक एसिड का केस है उसको छोड़ करके बाकी हर समय आप पॉजिटिव पहले को करेंगे, निगेटिव बाद में करेंगे, क्योंकि मेटल नॉन मेटल से मिल करके आयोनिक कंपाउंड बनाता है, तो पहले वाला क्या होता है, मेटल होता है, और बाद वाला क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ में आता है तो दोनों जब आपस में मिल जाता है तब जा करके एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है,
उसी को तो पढ़ा जाता है। तो हमने कहा कि NaCl हो गया, K2O हो गया, इस तरह से किसी भी केस को अगर हमें समझना है तो हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। दूसरे रिस्पेक्ट में अगली बात ये आई कि अगर हमें MgO दे दिया जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब वही सेम टू सेम कहानी हम फिर अपनाएंगे, Mg2 प्लस और O2 माइनस बनाएंगे। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके मैग्नीशियम आयन बनाएगा, ऑक्सीजन दो को गेन करके ऑक्साइड आयन बनाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को CaO के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं तो कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Ca2 प्लस बनाएगा, ऑक्सीजन दो को गेन करके O2 माइनस बनाएगा। इस तरह से CaO Ca2 प्लस और O2 माइनस में लिखा जाएगा। यानी कि हम इस केस को इस प्रकार से समझते हैं। किसी ने कहा कि सर वाटर को कैसे तोड़ेंगे, आयंस में इसको कैसे जोड़ेंगे, हमने कहा H प्लस और O2 माइनस बनाओ ना, यहाँ पर दो लगाओ ना, क्योंकि हाइड्रोजन दो है तो दो H प्लस यहाँ कर दिया। अब किसी ने कहा कि सर लेकिन हम तो ये पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के दो H प्लस हैं और ऑक्सीजन पे दो माइनस हैं, हमने कहा इस प्लस को इस माइनस के साथ जोड़ ले जाओ ना, H प्लस O माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव के साथ आपस में जुड़ जाएगा, ऐसी केस में ये OH माइनस बनाएगा और H प्लस और OH माइनस एक मतलब हाइड्रोजन आयन होगा, दूसरा क्या होगा हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में लिखा जाएगा। यानी कि वाटर हमारा ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, दोनों बात हमें मालूम होनी चाहिए। फिर किसी ने कहा कि अगर मार्केट में KCl आएगा तो पोटेशियम क्लोराइड को कैसे ब्रेक किया जाएगा, हमने कहा कि पोटेशियम जब जब आएगा तो K+ बनाएगा, क्लोरीन Cl- में टूट जाएगा, इस प्रकार से KCl को K+ और Cl- में लिखा जाएगा। फिर किसी ने कहा कि अगर HCN आ जाए तो सर हम कैसे लिखेंगे, हमने कहा H+ बना लेना है और CN- बना लेना। सर आपको कैसे पता है कि CN- होता है, आयंस आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आयन के याद करे हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा करके कॉन्सेप्ट को समझ पाना कठिन हो जाएगा, इसलिए बेटा आयंस नेम जरूर याद कर लीजिए। किसी ने कहा कि MgH2 होता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्राइड, और हमें वैसे भी पता है कि हाइड्रोजन हमारा H+ भी बना सकता है, H- भी बना सकता है, तो अगर हम मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात करते हैं तो ये Mg2+ हो गया और हाइड्रोजन H- बनाया, तो 2 आगे लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन गलती मत करना कि 2 इधर पीछे के साइड में कहीं नहीं लगेगा, जो लगता है वो स्टोइकोमेट्री में लगता है, आगे की तरफ नंबर ऑफ मोल हम लगाते हैं और उसी के बेसिस पर हम किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, और दूसरा कोई बेसिस नहीं लगाएंगे तो उम्मीद है आप अच्छा कर जाएंगे। आइए CaCl2 के पास चलते हैं। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को कहते हैं। हम जानते हैं कैल्शियम क्या करता है, Ca2+ बनाता है और क्लोरीन 2Cl- लिख देंगे, क्लोरीन तो क्लोराइड आयन बनाता है, लेकिन यहां क्लोरीन कितना है, 2 है, तो आगे इसके क्या लगा दिया, 2, तो हमने कहा Ca2+ और साथ में 2Cl-। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, हम कंपाउंड टू आयन कन्वर्जन की बात करते हैं। यानी किसी कंपाउंड को अगर हमें आयन में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या तरीका होगा वो हमने आपको यहाँ पर बताया है, तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। और इसी के साथ अगर मान लो कोई बड़ा चीज दे दिया जाए, यानी कोई बड़ा कंपाउंड है, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमने कहा कि CaCO3 दे दिया जाए, अब सर ये तो बड़ा हो गया, अब इसको कैसे पता करेंगे, अब ये मालूम होना चाहिए कि बेटा जो CA है ये कैल्शियम आयन है और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट आयन है, तो अगर CA कैल्शियम आयन है तो Ca2+ बनाएगा और जो CO3 2- बनाएगा ये क्या होता है, ये कार्बोनेट आयन है तो ये CO3 2- बनाएगा। किसी ने कहा कि अगर सर मान लो H2SO4 दे दिया जाए तब क्या करेंगे, हम कहते हैं कि H2SO4 दे दिया जाए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, सल्फेट है, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन हमेशा H+ बनाएगा, हाइड्रोजन आयन, और SO4 जो दिया गया है ये हमेशा क्या बनाएगा, सल्फेट आयन, यानी SO4 2-। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन के आगे कितना लगा दोगे, तो जब हाइड्रोजन के आगे दो लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2H+, और SO4 के आगे 2-, तो 2H+ SO4 2- हो जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन आयन हो गया और ये क्या हो गया, सल्फेट आयन हो गया। फिर किसी ने कहा कि अगर HNO3 दे दिया जाए, यानी कि नाइट्रिक एसिड का केस हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा कि हाइड्रोजन पे H+ लगा दो और नाइट्रिक एसिड जो दिया गया है इस पे NO3- कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन को हम H+ लेंगे और NO3 जो होता है ये हमारा नाइट्रेट आयन होता है, तो हमने H+ NO3- में तोड़ दिया। अगर किसी ने कहा कि सर हमें K2SO4 दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे बेटा, यहाँ से K है, अच्छा K
K2SO4 दे दिया जाए तो क्या करोगे, पोटेशियम का क्या होता है, K+ होता है, और सल्फेट का क्या होता है, SO42- होता है। अब यहाँ पर पोटेशियम 2 था, यहाँ पोटेशियम 1 था, तो आगे 2 लगा लो तो ये बैलेंस हो जाएगा, और 2K+ यानी 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव चार्ज भी बैलेंस हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। K2SO4 के बाद किसी ने फिर सवाल पूछ लिया, क्या सवाल पूछा जरा उसको हम आपको समझाते हैं। अगर किसी ने कहा कि सर मान लीजिए CaOH का होल ट्वाइस दे दिया जाए, CaOH का होल ट्वाइस दे दिया जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा कैल्शियम का क्या होता है, Ca2+ होता है, और OH का क्या होता है, OH- होता है, आगे क्या लगाओगे, 2 लगा ले जाओगे, यानी कि इस केस में Ca2+ और 2OH- हो जाएगा, यानी कि Ca2+ कैल्शियम आयन होगा, OH- हाइड्रोक्साइड आयन होगा, आगे 2 लगा लिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। आया, बोल बोल नहीं रहे हो भाई, अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केस हमने आपको समझा दिया, अब मान लो इसमें और आगे चलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए, नहीं तो आप भी सोचोगे कि हमको तो कुछ करने के लिए, अरे यार ये तो मैं खुद ही कर दिया। चलो अच्छा अगला करो तुम, MgSO4 Mg2+ SO42- है ना, HNO2 आपको देता हूँ एकदम जानदार तरीके से, चीरदार क्वेश्चन, H3PO4 करके बताइएगा, KOH NH4OH, बड़ा प्यारा सवाल, H2O2 मार्केट में अभी अभी आया, बताइए खट्ट से बताइए क्या आंसर आएगा। कैसे करोगे, HNO2 को सॉल्व करोगे तो ये H+ हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, NO2- हो जाएगा, क्योंकि ये नाइट्राइट आयन है, आयन को आप आयन वाले लेक्चर में जाकर के आयन नेम देख लीजिए, ये 3H+ हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये PO4 3- हो गया, KOH है तो ये किस में टूटेगा, K+ और ये किस में टूट जाएगा, OH-, NH4OH है तो ये किस में टूटेगा, NH4+ और ये किस में टूट जाएगा, OH-, H2O2 है तो इसको किस में तोड़ोगे, H2O2 को, जरा गौर करिएगा आप इसमें क्या करोगे, ये H+ बनाओगे और ये O2 2- में टूटेगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये पर ऑक्साइड आयन कहलाता है, O2 2- और यहाँ 2 लगा लो बैलेंस हो जाएगा। देखिए ये जो कुछ भी हमने आपको बताया ये कंपाउंड टू आयन कन्वर्जन हम आपको सिखा रहे थे। अब आपके पास XYZ किसी भी प्रकार का कोई भी कंपाउंड हो आप उसे बेहिचक आयन में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस आपको सिखाया ये हम आपको समझा रहे थे कि कंपाउंड को आयन्स में कैसे तोड़े जा रहे थे और रिएक्शन हम कैसे करा पा रहे थे, यानी हाउ रिएक्शन ऑकर्स जो ये हमारा टॉपिक था इसके अंतर्गत हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हम कोई भी रिएक्शन करते कैसे हैं। अगर हमें किसी कंपाउंड को आयन में तोड़ना आ जाएगा तो हम रिएक्शन तक आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अगर हमें कंपाउंड को आयन्स में तोड़ना नहीं आया तो हम रिएक्शन में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया गया है तो हम उस कंपाउंड को आयन में कैसे ब्रेक कर पाते हैं। एक तो हमने सिंपल रिएक्शन आपको सिखाए क्रिस क्रॉस मेथड से, सिंबल और वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगा करके, एक सिंपल रिएक्शन के बाद हमने एक आपको कॉम्प्लेक्स केस समझाई। कॉम्प्लेक्स केस में हमने आपको समझाया कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया जाता है तो आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इस तरह की भी कंडीशन लगा सकते हैं, यानी उस कंपाउंड को पहले आप आयन में तोड़ लीजिए, पहला पार्ट कैटायन होगा दूसरा एनायन होगा, फिर दूसरा वाला रिएक्टेंट में भी पहला कैटायन दूसरा एनायन होगा, पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद प्रोडक्ट की तरफ हम प्रोसीड कर जाएंगे। इस प्रकार से कोई भी केमिकल रिएक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। उम्मीदन आपको ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से सॉल्व करने का ये तरीका हमने आपको समझा दिया।
अब हमें लगता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास समाप्त होने वाली है क्योंकि हम सारा कॉन्सेप्ट आज का आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। हाउ रिएक्शंस अकर्स के अंतर्गत बताई गई सभी बातें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और एक मोटिवेशनल थॉट आपके लिए आज फिर क्या लिखा है बोर्ड पर देखिए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो बच्चों इस मोटिवेशनल कोट्स की हर एक लाइन आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास समाप्त करने से पहले ये बात जरूर आपसे कहेंगे कि अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। आपका सब्सक्रिप्शन आपकी शेयरिंग ही हमारे लिए मोटिवेशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।